वेलकम बैक फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो नंबर नाइनटीन क्लास नाइन्थ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर थ्री डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को और इस इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यहाँ पे एडिटिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और इस वीडियो से अब हम देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना यानी कि अगर हमको किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो कलर चेंज करना हो या किसी टेक्स्ट में हमने बोल्ड लगाना है इटैलिक लगाना है तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो उेस्टर डमी टेक्स्ट में यहां पे टाइप कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल टूडे इज ग्रेट डे एंड वी आर लर्निंग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन तो सिंपल सा है मैं यहां पे इतना टेक्स्ट चलिए इसको मैं यहां पे कॉपी भी कर लेता हूं ताकि सिंपल सा हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें थोड़ा सा और यहां पे टेक्स्ट आ जाए तो यहां पे सिंपली एक पैराग्राफ हमने लिख दिया है एंड इसी पैराग्राफ को अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ में कन्वर्ट करूँ यानि कि इसी टेक्स्ट को चलिए हम यहाँ पे और कॉपी करते हैं एंड एक और पैराग्राफ हम यहाँ पे ले लेते हैं तो दो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं तो सिंपल से हमारे पास दो पैराग्राफ यहाँ पे हैं तो इनमें हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखिए सिंपल सा है सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपने अपने फॉन्ट का नेम यहाँ पे चेंज करना है या स्टाइल अगर आपने चेंज करनी है तो सिंपली आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे देन आपका जो फॉर्मेटिंग टूल बार है देखिए ठीक ऊपर जो रूलर के आपका टूल बार यहाँ पर है इसी को हम बोल देते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार तो यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट नेम आपको मिलते हैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग आपको यहाँ पर फॉन्ट मिलेंगे देन आप इसको स्क्रॉल डाउन यहाँ पर करते हैं, तो और भी आपके पास यहां पे फॉन्ट हैं तो जिस भी फॉन्ट में आप यहां पे क्लिक करते हैं फॉर है, तो तो है, तो है, एग्जाम्पल है तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए एंड डायरेक्टली ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहां पर क्लिक कीजिए और इसके अलावा अगर आप दूसरा मेथड यहां पे देखेंगे तो अगेन आपने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है देन आपने क्लिक करना है फॉर्मेट मेन्यू पे एंड यहां पे आपको करेक्टर का ऑप्शन मिलेगा तो करेक्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए एंड सिंपली इस तरीके का करेक्टर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा तो यहां पे देखिए सिंपल सा है जो टेक्स्ट का आपका स्टाइल है वो आपको यहां पे मिलता है यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद अगर आपने यहाँ पे इसका साइज चेंज करना है तो साइज भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं तो सिंपल सा है जो डायलॉग बॉक्स है इससे दोनों ही काम हमारे हो जाएंगे और इसके अलावा नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को सिंपली साइज चेंज करना है तो ठीक यहाँ पे आपको इसका भी ऑप्शन मिलता है तो किसी भी जगह से आप इसको चेंज कर सकते हैं सिंपली तो आई होप आपको आया होगा कि कैसे हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट है उसका हम स्टाइल यहाँ पर चेंज करते हैं तो स्टाइल चेंज करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर किसी भी टेक्स्ट में हमने यहाँ पर बोल्ड यूज करना है इटैलिक यूज करना है अंडरलाइन यूज करना है तो इससे कल कई बार हमको फायदा होता है हमारा जो ज्यादा डेकोरेट हम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर कर सकते हैं या जो इंपॉर्टेंट उसमें टर्म्स हैं या डेफिनेशनस हैं उनको हम इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं या अंडरलाइन हम कर सकते हैं तो इसके लिए आप अपने टेक्सट को आप सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली देखिए यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है इटैलिक का ऑप्शन है या अंडरलाइन आप यहां पे करना चाहें अब देखिए अंडरलाइन में यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको मिलेगा तो इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो मल्टीपल आपको अंडरलाइन यहाँ पे मिले मिलती जैसे फॉर एग्जाम्पल डबल अंडरलाइन अगर हम यूज करना चाहें या कोई और स्टाइल यहाँ पर डेसिस फॉर्म में हम अंडरलाइन करना चाहें तो यहां से आप अंडरलाइन कर सकते हैं भले आप बोल्ड करें इटैलिक करें सभी ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलेंगे और इसके अलावा यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी हैं तो कई बार शॉर्टकट कीज़ भी पूछे जाती हैं तो बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल बी ऐसे इटैलिक के लिए कंट्रोल आई अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू तो इस तरीके से आप यहाँ पे या इटैलिक के लिए कंट्रोल आई हम कर सकते हैं तो ये क्या है ये आपके अलग अलग शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका आप यूज़ करेंगे तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे तो वहाँ पर कंप्लीट नोट्स भी हैं और शॉर्टकट कीज़ भी हैं और कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आपने सॉल्व करने हैं तो वहाँ पर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं इनकी आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं किसी भी टेक्स्ट को अगर हम सुपर सुपर स्क्रिप्ट करें या सब स्क्रिप्ट करें तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है जब एक नॉर्मल फ्लो के हिसाब से अगर उसके ऊपर हम किसी भी टेक्स्ट को ले कर के आते हैं तो इसको हम सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर बोल देते हैं एंड अगेन जैसे मैथमेटिक्स में आप इक्वेशंस लिखते हैं फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने लिखा तो इसमें एक्स का ऊपर जो स्क्वायर है उसी को हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं एंड केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो जैसे हमने एस टू लिखा तो जो टू जो होता है वो आपका सबस्क्रिप्ट में होता है यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे वो आता है

मान लीजिए हमको केवल यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही क्रिएट करना था तो इसको मैं अंडू यहाँ पे करता हूँ तो टू को सेलेक्ट कीजिए एंड इसका शॉर्टकट की जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है कंट्रो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी यानी कि कंट्रोल प्लस कीजिए साथ में शिफ्ट एंड पी तो तब भी आपका ये सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा तो सिंपल सा है इससे आप सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर कर सकते हैं और अगर आपने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट करना है तो फॉर एग्जांपल एस टू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एस टो मैंने यहाँ पे लिखा ये ऑलरेडी मेरा जो है सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पे है तो इसको अगर मुझे सबस्क्रिप्ट में लिखना है टू को तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेटिंग टूल बार में वरना सिंपली आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी यहाँ पे क्लिक करेंगे जो शॉर्टकट की है तो भी आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो आपका सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज करना चाहें तो फॉन्ट चेंजिंग के लिए भी हमारा शॉर्टकट की होता है आप इसके लिए कंट्रोल प्लस जो आपका यहाँ पर बिग ब्रैकेट है उसको आप क्लिक

समझ में आए होंगे तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है वीडियो नंबर नाइनटीन तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में वीडियो नंबर ट्वेंटी